सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। इफ ए एंड बी आर रियल एंड अन ए इज नॉट इक्वल टू बी देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस बी एक्स माइनस 2 ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। सर अभी तक हम लोगों ने रियल एंड इक्वल पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों ने रियल एंड डिस्टिंक्ट पढ़ा था। डिस्टिंक्ट का मतलब भी डिफरेंट होता है, अनइक्वल होता है। तो वही चीज यहां पे भी है, बस आपको क्या करना है ना, शो करना है। तो कैसे शो कीजिएगा बताइए सर। बस सर डी का वैल्यू ही तो हम लोगों को बताता है। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स विल बी ऑलवेज रियल एंड अनइक्वल, है ना सर। तो आपको दिखाना बेसिकली क्या है कि रूट्स कैसे है, रूट्स निकालिएगा क्या? नहीं सर, रूट्स नहीं निकालना है, बस आपको दिखा देना है कि डी जो है वो आपका इस इक्वेशन का क्या है, ग्रेटर देन 0 है। बस इतना दिखा दीजिएगा तो प्रूफ हो जाएगा सर। तो देखिए सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेना है गिवन में, उसके बाद ए बी सी का वैल्यू लिख लेना है। ए बी सी का वैल्यू कैसे लिखते हैं पता ही है आप लोगों को, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, गिवन डाल के लिख लेना, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। हाँ, अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि डी इज ग्रेटर देन 0 यानी कि रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, ये प्रूफ करना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है ना, डी का फॉर्मूला रख के डी का वैल्यू निकाल देंगे, हमको देख के पता लगेगा कि ग्रेटर देन 0 है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। डी इज इक्वल टू क्या है सर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मुझे भी फॉर्मूला याद हो गया है सर, इतना ज्यादा हम लोगों ने यूज कर दिया है। अब बी का स्क्वायर क्या होता है सर, बी यहाँ क्या गिवन है, 5 ए प्लस बी गिवन है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है, ए है आपका ए माइनस बी, है ना, और सी आपका क्या है, सी है आपका माइनस 2 ए माइनस बी, ठीक है, ये है सर जो था मैंने लिख दिया, ठीक है, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं इतना। तो अब देखिए, अब इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, मैंने 5 लिख दिया, इज इक्वल टू 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, है ना। हाँ, बेसिक है सर। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, तो ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो 4 टू सा 8 माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। हाँ, अब ये टर्म देखिए, ये पूरा टर्म मान लीजिए एक्स है आपका, तो ये टर्म भी तो x होगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कभी कभी कुछ ज्यादा समझा देते हैं, मतलब कुछ मेरे ऐसे बच्चे होते हैं सर जिनको जल्दी समझ नहीं आता, ठीक है, तो मैं खुद के लिए समझाता हूँ, बस आप लोगों के लिए नहीं, आप लोग तो इंटेलिजेंट है ना। हाँ चलिए, अब देखिए, अब देखना क्या है सर, अब तो आपका आंसर आ गया, कैसे आ गया देख लीजिए। यहां देखिए, ये 25 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, है कि नहीं, मानिए। और ये पूरा क्या है, ये पूरा सर हम लोगों ने स्क्वायर ही तो किया है, सारे पॉजिटिव में है, तो ओवरऑल ये वाला जो टर्म हमारा हो गया, ये पॉजिटिव आया कि नहीं, आया कि नहीं, आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यहां प्लस है, ये भी ठीक है, 8 भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी मान लिए। और सर जो हमारा लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर है, किसी भी टर्म का जब स्क्वायर होता है तो वो नंबर हमेशा क्या निकल के आता है, नेगेटिव, नहीं सर पॉजिटिव निकल के आता है। तो एक लाइन लिख दीजिए छोटा सा यहां पे, सिंस द टर्म्स, या ऑल द टर्म्स लिखना था, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स will be, क्या सर क्या आया हमारा रूट्स, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना सर। बस इतना आपको लिखना है, गिवन आप लोगों ने लिख दिया, ये आपका हो गया प्रूफ, बस इतना ही करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए बढ़ते हैं आगे।